हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं इस वीडियो में आपके साथ लेके आई हूँ एक बहुत ही सीक्रेट ट्रिक, इजी एंड क्विक इटालियन मसाला की रेसिपी। लेट्स स्टार्ट। इसके लिए हमको लेना है पुदीना, तुलसी के पत्ते, अजवाइन के पत्ते, मेथी के पत्ते ऑप्शनल है, अब रेड चिली फ्लेक्स, ब्लैक पेपर पाउडर, सॉल्ट। अब एक बाउल लो और उसमें इन सारे पत्तियों को डाल दो। अब इसमें इतना पानी डालो कि ये सारी पत्तियों को कवर कर ले। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लो। अब एक साफ और सूखा कपड़ा लो और उस पर इन सारी पत्तियों को सुखा दो। सारी पत्तियाँ सूख गई है, अब इसको थोड़ा सा पोंछ कर इसे कवर करके रख दो। जब तक ये सब सूख ना जाए और ज़्यादा टाइम लगे तो इसको सनलाइट में रख देना। तो हमारी लीव्स सूख कर बिल्कुल रेडी है, हमने इसे एक बाउल में निकाल लिया है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। एक ग्राइंडिंग जार लो और उसमें इन सारी पत्तियों को डालो और इसे थोड़ा सा दरदरा पीस लो। इसको बिल्कुल फाइन पाउडर के जैसे नहीं पीसना है। हमारी इटालियन सीजनिंग पीस कर बिल्कुल रेडी है। अब हम इसको एक बाउल में निकाल लेंगे और फिर हम इसमें मिलाएंगे कुछ स्पाइसेस। तो अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ आधी छोटी चम्मच रेड चिली फ्लेक्स, ब्लैक पेपर पाउडर, गार्लिक पाउडर और सॉल्ट अपने अकॉर्डिंग। इसमें सब स्पाइसेस की क्वांटिटी सेम होनी चाहिए, नहीं तो इसका फ्लेवर बिल्कुल ग्रोसरी शॉप जैसा नहीं आ पाएगा। तो चलिए अब इसको कर देते हैं अच्छे से मिक्स। हमारी इटालियन सीजनिंग मिक्स होकर बिल्कुल रेडी हो गई है। अब हम इसमें ऐड करेंगे ऑनियन पाउडर। अब हम करेंगे इसको भी अच्छे से मिक्स और इसको एक एयरटाइट कंटेनर में स्टोर करेंगे और जो भी आपको स्नैक पसंद हो उसमें आप इसको डाल के इन्जॉय कर सकते हैं। वैसे तो इटालियन डिश पिज़्ज़ा ज़्यादा फेमस है, पर आप इसको सैंडविच में भी डाल के इन्जॉय कर सकते हैं। जल्दी से आप भी इस रेसिपी को बना के ट्राई करो और इन्जॉय करो स्नैक्स पे स्प्रिंकल करके। मेरे ऐसे ही न्यू वीडियो के अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब, और आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक।